तो वेज देखिए, आज हम बनाएंगे जबरदस्त सा ये ब्लैक चना विद एग बनाएंगे, तो बहुत ज्यादा ये टेस्टी रेसिपी होने वाली है। तो प्लीज आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, चलते हैं हम अपनी रेसिपी की अस्सलाम तरफ। एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मुकद्दस सरिश। तो व्यूज कैसे हैं आप सब? अल्लाह से चल आपको, आज आपकी हम बना फैमिली रहे को। हैं ब्लैक ब्लैक चना चना विद विद एग बना रहे हैं, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनते हैं। तो ये जिस तरह से होटल से आप लोग लेते हैं, आज हम इंशाल्लाह हम उसी स्टाइल में बनाएंगे, तो बहुत ज्यादा ये टेस्टी सी रेसिपी होने वाली है। और सर्दियों में तो इसकी क्या ही बात है। तो व्यूज ये देख लें, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑनियन से। ये देख लें, सबसे पहले ये देख लें, मैंने इसमें तकरीबन 1/4 कप कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। इसके अंदर ये मैं डाल देती हूँ दरमियाने साइज के दो मैंने रफली ऑनियन, चॉप चॉप किया हुआ है देख लीजिए ऑमलेट किस तक। ये टाइप। होता है हमारा लाइट फिर हम माइली, इसमें सब ये मज़ीद कलर्स इंग्रेडिएंट्स बनाते डालते हैं हैं। ऑनियन के साथ ही। ये मैं डाल देती हूँ साबुत गर्म मसाला, जिसमें ये बे लीफ है यानी कि तेज पत्ता है, एक सिनेमन स्टिक है यानी कि दालचीनी है, 4 से 5 अदद ये लौंग है, और एक बड़ी इलायची है। ये देखिए मैंने इसको खोल लिया है, और थोड़ी सी ये काली मिर्चें हैं, थोड़ा सा जीरा है, ये डाल देते हैं। अब ये ऑनियन के साथ ही कुक होगा तो इससे आएगा बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर। तो अब ये देख लें, माइली पिंक सा कलर आ गया है ऑनियन पर। अब मैं इसमें डाल देती हूँ, ये देखें, 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, और 1 टेबल स्पून इसमें इसकी भी साथ में तकरीबन जिंजर का ज़बरदस्ती पेस्ट। बनाई करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट ये के लिए। देखें हमारा गोल्डन सा हमारा कलर आ कुक गया हो गया है, ये है। देखें कितना ज़बरदस्त है, इस पर गोल्डन कलर आ गया है। अब अब मैं इसमें इसमें स्पाइसेस डाल देती हूँ, 1 टी स्पून के करीब हल्दी हाफ पाउडर, टेबल स्पून 1 टेबल स्पून रेड चिली सूखा पाउडर, धनिया, ये मैंने धरधरा सा कूटा हुआ है, ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं है। ये देखें 1/2 टी स्पून के अच्छी करीब तरह गरम मसाला करेंगे पाउडर। इन मसालों की हम भुनाई पे भुनाई। आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, रोज़ मैं आपको यही समझा रही होती हूँ कि जहाँ पर भुनाई का काम हो वहाँ पे आपने जान नहीं छुड़ानी, इसी से टेस्ट डेवलप होता आपने है पानी का खानों में। छींटा लगा लगा कर इसको भूनना है। हमारी भुनाई हो गई है। अब ये 1 कप के करीब, ये देखें 1 कप के करीब ये दही है, ये डाल दूंगी इसमें। तो भी उस ये देख लें, दही के साथ ही मैंने इसमें ब्लैक चने भी, ये चने बॉयल किए हुए हैं, मैंने पहले से बॉयल कर लिया था नमक डालकर, अब ये भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब अच्छी तरह से दही के साथ मैं इसकी भुनाई करूँगी ताकि दही भी हमारा कुक हो जाए और साथ में चनों की ज़बरदस्त सी भुनाई भी हो जाए। तो व्यूअर्स ये देख लें, ज़बरदस्त सी मैंने भुनाई कर ली है, हल्का हल्का सा मैंने हो इसको गई है। पानी का छींटा लगा अब कर। टाइम अब टाइम आ गया है कि अब मैं इसमें पानी डाल दूँ। पानी डालने से पहले ये देखें, 4 से 5 अदद ये हरी मिर्चें हैं, ये भी डाल लेते हैं हाफ इसकी मिक्स। मैंने चने बॉयल किए थे तो ये पानी वही है, वो डाल दूँगी ये मैं। इसमें पानी डालना है कि जितनी आपने इसकी ग्रेवी रखनी है, आप चाहें तो इतनी रख लें, चाहें तो इससे कम रखें, और चाहें तो इसमें थोड़ा सा वाटर और ऐड कर दें। वैसे तो विंटर में थोड़ा सा शोरबा ही अच्छा लगता है, पता नहीं शायद मुझे ही अच्छा लगता है या आप लोगों को भी ये अच्छा देखें लगता है, इतना टेस्ट डोहा होता बना है। हुआ तो ये देख लें, थोड़ा सा पानी और डालूंगी ताकि जब ये कुक हो तो फिर पानी कम हो जाएगा। तो ये देख लें, 5 से 6 मिनट इस पे कवर अब मैं लगा इसको कवर दूंगी। लगाऊंगी, बिल्कुल लाइट फ्लेम के ऊपर आपने इसको दम वाली आंच पे पकाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दम वाली आंच पे आपने इसको पकाना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 से 6 मिनट के लिए दम वाली आंच पे रखा था। अब मैं इसमें एग डाल देती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देख लें, अब इसमें एग डाल दें। एग डाल के फिर इसकी मिक्सिंग चेक कर लेना है आप, और मैं अपने अकॉर्डिंग योर टेस्ट डालना है। मैं जब जिंजर गार्लिक को पीसती हूँ उस टाइम पे मैं उसमें डाल लेती हूँ नमक। तो ये देख लें, अब 1 टी स्पून ये ब्लैक पेपर है यानी कि काली मिर्चों का पाउडर है, ये बिल्कुल आपने एंड में डालना है, इससे बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। तो ये डालकर फिर मैं इसे 3 से 4 मिनट के लिए कवर लगाऊंगी, फिर हम इसकी इंशाल्लाह डिश आउट रेडी हो करेंगे। गया। अब मैं इसकी डिश आउट कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें इसका टेक्सचर चेक करें कितना ज़बरदस्त है। ये देख लें, ब्लैक चना विद एग हमारा रेडी है। सालन तो बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बना है, तो प्लीज़ आप इसे स्टाइल में बना के देखिएगा। तो इसी के साथ में आपको मुझे बहुत इजाज़त ज़्यादा रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल, ज़िंदगी रही सांसों की वफा। तो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।